मध्य प्रदेश में तमाम दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। मंदसौर विधानसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशी ने एक ही दिन अपना नामांकन पत्र जमा किया। इससे पहले रोड शो के दौरान भी कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। मंदसौर विधानसभा सीट से भाजपा ने यशपाल सिंह सिसोदिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। यशपाल सिंह सिसोदिया 3 बार के विधायक हैं और नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष विपिन जैन पर दाव लगाया है। दोनों ही नेताओं ने एक ही दिन अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले दोनों उम्मीदवारों ने रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। रोड शो के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों ही दल के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया ने शीर्ष नेतृत्व और संगठन का आभार व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को केवल आरोप लगाना आता है, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। संगठन के प्रति मैं नतमस्तक हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का, जिले का, प्रदेश का, भारत के हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, कि जिन्होंने मुझे से छोटे से कार्यकर्ता को चौथी मर्तबा चुनाव मैदान मंदसौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 को जनता का आशीर्वाद है। आज जिस प्रकार से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शीर्ष चरणों में नमन करते हो, पुष्पांजलि अर्पित करते हो, मंदसौर शहर के पूरे मार्ग पर हमने जो पैदल मार्च भी किया है, वाहन रैली भी थी, उत्साह के साथ हमने नॉमिनेशन फाइल किया और उसी के आधार पर आज मैं यहाँ परफॉर्मेंस किया। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी भी पूरे जोश में नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार और महंगाई से राहत दिलाना है। बहुत फिर था और हमारा जो विजन है वो बहुत क्लियर है, लोगों को महंगाई से राहत दिलानी है। बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए मंदसौर विधानसभा में रोजगार के संसाधन जुटाने के लिए प्रयत्न करने हैं और जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।